नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। 12 जून को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में विपक्षी एकजुटता को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। देखिए, इस बैठक को लेकर चर्चा काफी जोरों शोरों से हो रही है, सियासत भी खूब तेज है। कल आपने सुना कि आरसीपी सिंह ने इसको लेकर क्या कुछ कहा था कि वो टाइम पास कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। और वहीं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जो है वो भी यही कह रहे थे कि अरे भाई पलटू राम क्या करेंगे। तो अब देखिए, इसको लेकर बीजेपी सांसद जो है निशिकांत दुबे, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जी हाँ, दरअसल वो कह रहे हैं कि देखिए, हमारा जो संबंध है वो नीतीश कुमार से काफी अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम भविष्यवाणी करें तो पाते हैं कि 2024 के बाद नीतीश कुमार का कोई भी भविष्य नहीं है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, सुनिए। मुझे सभी के साथ काम करने का मौका मिला, चाहे माननीय नीतीश कुमार जी हो, चाहे ममता जी। ममता जी जब मंत्री थी तो मैं सांसद था और मेरे अच्छे संबंध है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मैंने भविष्यवाणी की है, और फिर मैं कह रहा हूँ कि 2024 के बाद नीतीश कुमार जी थे ये पूरे देश में हो जाता है। 2024 के बाद माननीय नीतीश कुमार जी का कोई भविष्य नहीं, और जिस आदमी का भविष्य नहीं है उसके नेतृत्व में यदि कोई बैठक हो रही हो तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बैठक का क्या मतलब। सही तरीके से नवीन जी बहुत अच्छे आदमी है और तेज आदमी, उनको भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी कर रहा है उड़ीसा में, और केंद्र में उनको लगता है कि मोदी जी से ज़्यादा बेहतर जो है कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। और ये जो पूरी साजिश है, मैं आपको बताऊँ, आज मुझे जो है चंद्रगुप्त मौर्य नजर आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भी जब यहाँ थे, पूरे भारत को जिन्होंने यूनाइट किया, तो एक बैकवर्ड के खिलाफ दूसरे बैकवर्ड को ही खड़ा किया है ना, और उसका फायदा जो है कोई तीसरा आदमी ले गया। देश के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री, पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, और मोदी जी को हटाने के लिए अपोजिशन जो है एक फेस के तौर पर नीतीश कुमार को यूज कर रहा है, और उनका कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। ये चंद्रगुप्त मौर्य की जो है का इतिहास दोहराया जाएगा, और मुझे लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जिसने पीठ में छुरा भोंका उसी तरह से, और पिछड़े का राज्य जो है ख़त्म हो गया पूरे देश भर से, और फिर पिछड़े को संघर्ष करके इतने वर्षों के बाद माननीय मोदी जी मिले, अब फिर से नीतीश कुमार उसी ब्रूटस के तौर पर जो है मोदी जी के पीठ में छुरा मारना चाहते हैं और दूसरे को शासन सौंपना चाहते हैं। लेकिन पिछड़ा अब जग चुका है और पिछड़ा मोदी जी के अलावा किसी दूसरे को सोचने को तैयार है। तो आपने सुना निशिकांत दुबे को, जिन्होंने बताया कि 2024 के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई भविष्य नहीं है, और जिसका कोई भविष्य ही नहीं हो, जिस आदमी का कोई भविष्य ही नहीं है, और अगर उनके नेतृत्व में ये बड़ी बैठक हो रही है तो समझिए इस बैठक का क्या होगा। खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।